स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए ओके टॉपिक क्या है, सबनेटिंग। तो सबनेटिंग सीखने के लिए पहले याद रखना है आपको कुछ फॉर्मूला, और हम जी स्टार्ट कहाँ से करेंगे सबनेटिंग, हमेशा से वही डिसिमल टू बाइनरी क्लास सी से, क्लास सी से क्लास बी में जाएंगे, और फिर जी सर किस में जाएंगे, क्लास क्लास ए में। ए में। अब देखो सबनेटिंग से आप किसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो। जैसे किसी ने बोला भाई यूजर के लिए आईपी चाहिए, तो यूजर का मतलब होता है होस्ट। होस्ट। और किसी ने बोला भाई बहुत सारे यूजर के लिए एक नेटवर्क चाहिए, दैट मींस अ ग्रुप। ग्रुप ग्रुप के लिए क्या चाहिए आपको, एक नेटवर्क। नेटवर्क। अब जब आप बुक्स पढ़ेंगे उसको जी नेटवर्क सर को वो क्या बोलेगा, सबने। सब क्लियर है। तो जब जी भी सर बात आएगी होस्ट की, और जब भी बात आएगी नेटवर्क या सबनेट की, तो मैं दोनों फॉर्मूले सिखाऊंगा, क्लियर रहेगा। ओके सर। सबनेटिंग करने का जो मेन रूल है या फॉर्मूला बोल सकते हो, वो मेरा जो मैंने बताया था, मेरा खुद का मेड है, जी ये सर। फॉर्मूला आपको यूज करना है, बहुत सिंपल हो जाएगा। जी जी सबनेटिंग का फॉर्मूला है, जैसे पहले क्या करना था टास्क, डिसिमल टू बाइनरी बाइनरी बाइनरी, सेकंड बोरो टू बिट थर्ड में डीएसएम टू सीएसएमएस को सर क्या सीएमएस का फुल फॉर्म सर कस्टमाइज सबनेट मास्क, कस्टमाइज सबनेट मास्क। फिर निकालना है आपको उसका इंक्रीमेंट बिट, ओके सर। फिर क्या निकालना है उसमें ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज, अब ब्लॉक साइज में क्या क्या मिलेगा आपको, पहले नेटवर्क एड्रेस, वैलिड आईपी, वैलिड आईपी, और फिर क्या मिलेगा ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट, ये तीनों एड्रेस किसमें मिलते हैं आपको, ब्लॉक में, क्लियर है। ब्लॉक से। चलो अब रूल्स को यूज करते हैं। सपोज करो आपके पास एक ईमेल आई है नई, जी सर। ईमेल में बोला गया है उन्होंने कि भाई 10 यूजर को आईपी चाहिए। कितने यूजर्स को आईपी चाहिए, 10 यूजर्स को। 10 यूजर को आईपी चाहिए, कौन सी क्लास देंगे आप पहले, कौन सी सी क्लास क्लास, देना चाहेंगे। सी क्लास, क्लास सी, क्योंकि उसमें सबसे छोटे आईपीज मिलती है 256, तो आपने दो बोला सौ मैं क्लास सी दूंगा। चलो ठीक है, क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है, डीएसएल डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.255.0। इस जीरो में कितनी बिट है एक ऑक्टेट में, 8 बिट। अगर मैं सारी बिटों को ऑफ कर रहा हूँ तो कितने वैलिड एड्रेस निकलते हैं, 256। जी सर। उसमें से मैं यूज कितने कर सकता हूँ, सिर्फ 254। बताऊंगा कैसे कर सकते हैं, लेकिन एक बार बताओ क्या 256 वाले सबनेट मास्क को यूज करना मैंडेटरी इस 10 यूजर के लिए, नहीं नहीं सर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबनेटिंग। अब सबनेटिंग का पहला रूल याद रखना आपको। जी सर देखो सबनेटिंग का पहला जो रूल बताया था आपको मैंने, उसमें बोला था मैंने कि भाई डेसिमल टू बाइनरी बाइनरी। अब देखो डेसिमल टू बाइनरी करना है, लेकिन अब जी सर ये कि 4 बिट में करना है या 8 बिट। जी तो सर। अब हमारे पास सबनेट मास्क में कितनी बिट है, 8 बिट सर। 8 बिट। तो मैंने बोला था भाई 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4, 5, 6, 7, 8 से करा था। जी सर। 128, 64, 32, 16, 8, 4, 1, 2। इतनी हमारी 8 बिट की वैल्यू। चलो इनको प्रेजेंट कर देते हैं एक बॉक्स में। जी सर। जी सर। 128, 64, 32, 16, 8। और हमारी डेसिमल वैल्यू कितनी है, 10। 10। 10 है तो भाई डेसिमल टू बाइनरी कर दो, 10 का बाइनरी क्या होगा, 128 क्या होगा, 0 या होगा, 0 0 0 0 1 0 1 0। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्लियर है।
चलो अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या करना था, डेसिमल टू बाइनरी हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या बोल रहा है, ये बोरो करना। बोरो का मतलब होता है उधार लेना। जी सर। बोरो बिट का मतलब कि कितनी बिट उधार लोगे 10 बंदों की आईपी के लिए। तो जो आप इधर से आए थे, इधर से करने के लिए डेसिमल टू बाइनरी, इधर से कितने नंबर पे बिट ऑन करिए? 8 नंबर पे जी सर, 5 पे। अब इनकी पोजीशन नंबर होती है, जैसे जी सर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब इधर से आप डेसिमल टू बाइनरी करते आ रहे थे, पहली बिट कब ऑन हुई थी? ये वाली 1 कब हुआ था पहला ऑन? जी सर। तो कितने नंबर पे आ रही है? 4 पे। 4 पे। तो बोरो बिट का मतलब आपने कितनी बिट उधारी पे ली है? 4 बिट। 4 बिट, बस इतना क्लियर है? जी सर। दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब तीसरे पे आ जाओ। तीसरा बोलता है भाई DSM CS। तो भाई क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.255.255.0। जीरो। अभी जीरो में कितनी बिट है? 8 बिट। तो भाई मैं 8 बिट कैसे बनाऊंगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 तीन ऑक्टेट क्या है, पहले से ही फिक्स है। तो इनको ऐसे लिख दो 255। अब देखो उधारी पे बिट कितनी ली थी आपने? 4 बिट। और काम रिक्वायरमेंट थी वो किसके लिए थी? यूजर। अब जब भी यूजर का मतलब क्या बताया था अभी? होस्ट। होस्ट का मतलब बिट को क्या करना है? के लिए। बिट का वो क्या करना है हर बार? वॉइस रुक रहा सर। हेलो, आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज? हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी सर, वॉइस बीच बीच जी अभी आ रही है सर, बीच बीच में कट रहा सर। जी सर, एक सेकेंड कट रहा था उसको सर। एक सेकेंड दीजिए मुझे भाई, ब्रेव ब्राउज़र। ओके, मॉडेम पे ट्रैफिक ज्यादा हो रहा होगा एक बार। आवाज आ रही है अब आपको क्लियर? जी सर, अभी सही। अब यहाँ पे क्या लिखा है? 4 बिट। यूजर। ये क्या लिखा है? यूजर। यूजर। और यूजर का मतलब किसके लिए लेना है आईपी? होस्ट के लिए। होस्ट का मतलब बिट को क्या करना है? हमेशा ऑफ। ऑफ, बस इतना याद रखना है। तो अभी हम कितनी बिट उधारी बनाए थे? 4 बिट। तो 1 2 3 4 ऑफ। 4 ऑफ हो गई। अब ऑन कितनी रह गई? 4। 1 2 3 4, ठीक है, कुछ नहीं करना। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब जी सर। अब आप इसको डिफॉल्ट सबनेट मास्क को क्या बनाने वाले हो? कस्टमाइज सबनेट मास्क 10 यूजर वाला। तो पहले ऑक्टेट तो पहले से ही फुल है? फुल है। दूसरी भी फुल है? फुल है। तीसरी भी है? फुल है। अब फोर्थ ऑक्टेट में कितनी बिट ऑन है? 128। देखो अब चार बिट ऑन है। चार बिट कैसे? देखो जब एक बिट ऑन होगी तो उसका मतलब होगा, जब लास्ट वाली ऑन होगी तो 128, जब दो होंगी तो 192,
तीन होंगी तो 224, जब चार होंगी तो 240, एक दो तीन चार पांच, पांच होंगी तो 248, एक दो तीन चार पांच छह कितनी होगी 252, एक दो तीन चार पांच छह सात फिर कितनी होगी 254, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ कितनी हो जाएगी 255, तो अब याद रखना है कितनी बिट ऑन है। एक मिनट के लिए सर मैं रुको, हाँ जी लिखिए, एक मिनट के सर बस लिखे, एक कॉल आ गया सर, कोई नहीं कोई। कितनी बिट थी, चार बिट, चार बिट को हमने ऑफ कर दिया है यहाँ पे, ऑफ कर दिया जी सर, जी सर। और जब चार बिट ऑन रहेगी तो कितनी हो गई टोटल वैल्यू सर, चार बिट का हो गया 240 सर, 240 ठीक है चलो जी सर। अब याद रखना, अब आपको निकालना है इंक्रीमेंट बिट, यहाँ तक क्लियर है ना जी सर, क्या निकालना है इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट बिट का भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जी सर। आठ ऑक्टेट में जीरो से 255 जाती है लेकिन टोटल वैल्यू कितनी होती है 256 में से माइनस कर दो 240 उतना ही आएगा इंक्रीमेंट हमेशा। ओके सर कितना आएगा 256 में से माइनस करना है 240 14 आएगा सर, 256 माइनस 240 16 आएगा सर, 16 लिख दिया मैंने यहाँ पे ले रहे पांचो देखो। अब पांचवें नंबर पे क्या बनाना है ब्लॉक, ब्लॉक तो अब ब्लॉक बनाने के लिए कुछ नहीं करना, देखो आपको पहले आपका क्या पता होना चाहिए सीएसएम क्या है, 255.240 ठीक है, और फिर क्या पता होना चाहिए इंक्रीमेंट कितने का आ रहा है 16 का। अब देखो याद रखो ब्लॉक में आपको मिलता है पहला जो मिलता है वो क्या होता है नेटवर्क एड्रेस, क्या मिलता है नेटवर्क एड्रेस, इसको याद रखना नेवर असाइन, कभी भी असाइन नहीं होता एंड डिवाइसेस में, किस पे नीचे लगा सकते हैं इस एड्रेस को एंड डिवाइसेस। दूसरा क्या मिलता है आपको डॉट वैलिड आईपी, वैलिड आईपी ये कहाँ पे असाइन होते हैं असाइन इन ऑल डिवाइसेस, कोई इशू नहीं है क्लियर है ओके सर। तीसरा क्या होता है आपका ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट एड्रेस ठीक है जी सर। नेवर असाइन एंड डिवाइसेस क्लियर ओके सर। अब देखो क्लास सी की प्राइवेट एड्रेस बताए थे कौन कौन से थे, मैंने बोला था क्लास सी प्राइवेट एड्रेस आता है 192.168 जीरो डॉट जीरो से स्टार्ट होता है, बताया था ना जी सर। अब देखो सबनेट मास्क में पहली ऑक्टेट फुल है या फ्री है, फुल है, दूसरी फुल है, तीसरी फुल है, फुल है लेकिन फोर्थ वाली फ्री है, फ्री है, और यहाँ पे 240 और यहाँ पे क्या दे रखा है जीरो, जीरो। अगर जीरो आ रहा है तो ये क्या बनेगा मेरे लिए ऑक्टेट, कौन सा एड्रेस है नेटवर्क। अब देखो दूसरा पहली ऑक्टेट ऐसी उतार देनी जी सर, दूसरी तीसरी लेकिन चौथी ऑक्टेट में क्या फील करना है इंक्रीमेंट, क्योंकि अभी ये 240 है जब तक इसको 256 नहीं कर दोगे, लेकिन 256 होता ही नहीं कभी भी, कहां तक ले आओगे इसको 255, तो बस करना है क्या है आपको देखो इंक्रीमेंट रख दो यहाँ पे 16 का बस। अब इससे पहले कौन सी वैल्यू आएगी 192.168 जीरो डॉट 15. ये बनता है आपका ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट और वैलिड आईपी कितनी निकली अब 0.1 से लेके 0.14 ये क्या निकल के आ गई वैलिड आईपी। अब किसी ने बोला भाई वैलिड आईपी का फॉर्मूला बताओ, तो कुछ नहीं करना जो बोरो बिट आई थी ना उसको 2 की पावर में रखना 4 और माइनस 2 कर देना, क्योंकि नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट कभी यूज नहीं होते, तो 16 में से माइनस 2 कर दोगे 14 आ जाएगा और ये निकलेगी 14 वैलिड आईपी, चाहिए कितनी थी 10, कोई वेस्ट हुई भाई 4 आईपी एक्स्ट्रा निकली लेकिन जब तो 250 वैलिड नहीं थी, ये सुनो तो वेस्ट हो रही थी, अब वेस्टेज सेव करी। अब ऐसे एक और क्वेश्चन कर लेते क्लास सी का छोटा सा,
अब आप थोड़ी सी हेल्प करेंगे और सॉल्व करेंगे हम लोग। एक ईमेल आती है, 50 यूजर को आईपी देनी है, कितने 50 यूजर के। कौन सी क्लास से देंगे पहले बताएं? सी क्लास। बिल्कुल सही, हो गया क्लियर। चलो जी सर, अब पहला टास्क क्या था? पहला डेसिमल टू बाइनरी। आराम से समझिए और आराम से करिए, एक क्वेश्चन हो गया सारे हो जाएंगे। जी सर। 128 64 32 16 8 4 2 1। अच्छा, इनको बॉक्स में फिट कर दो। जी सर। 50 निकाला है। अब डेसिमल टू बाइनरी करो। जी सर। 0 0 फिर 1 फिर 1 0 0 1 0। बहुत बढ़िया। दूसरा टास्क, बोरो बिट। इधर से आओ, कितने नंबर पे ऑन है? 8 7 6 6 नंबर पे। बहुत बढ़िया, 6 नंबर पे है ना? जी सर, 6 नंबर। अब तीसरा नंबर, तीसरा है सर इंक्रीमेंट 10 मिनट। BSM टू CSM। BSM क्लास सी का तो आपको याद ही है, 255 255 255 20। इसमें 8 बिट, इन 8 बिट को कैसे रिप्रेजेंट? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके लिए प्रोसेस करना है हमें 50 यूजर्स के लिए, होस्ट के लिए। तो बिट को क्या करना है? हमेशा ऑफ करना है। तो कितनी बिट उधारी पे लिए है? 6 बिट ऑफ हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, कितनी बिट ऑन रह गई? 2। बहुत बढ़िया। DSM से क्या बनाना है अब हमें? बनाना है सर इंक्रीमेंट CSM। CSM ना, CSM कस्टमाइज सबनेट मास्क। तो पहली ऑक्टेट फुल है, दूसरी फुल है, तीसरी दो बिट ऑन होने का मतलब 192। बहुत बढ़िया, हो गया। फोर्थ पे आ जाओ, इंक्रीमेंट बिट। अब 256 में से माइनस कर दो इसको, बस कुछ नहीं करना। 256 माइनस 192 4 4 64। ठीक है भाई, चलो okay. अब क्या निकालना है? ब्लॉक है ना, तो ब्लॉक के लिए तो आपको पता है क्या क्या चाहिए, CSM और इंक्रीमेंट। 255 255 255 192 और इंक्रीमेंट 64। चलो अब क्लास ही का प्राइवेट एड्रेस तो याद ही हो गया है, 192 168 1.0 लिख दिया। जी सर। अब देख के बताओ सबनेट मास्क में पहली ऑक्टेट फुल है या फ्री? फुल है सर। दूसरी? फुल है। तीसरी? फुल है। फोर्थ? खाली है सर स्पेस। तो अगर मैंने यहाँ पे 0 लिख रखा है तो इसका मतलब ये क्या बनने वाला है? अब इसका नेटवर्क एड्रेस। अगर मैं यहाँ पे 8 लिख देता तो बन पाता? नहीं, नहीं। यहाँ पे तो अभी 192 था। सुनो, एज इट इज नीचे उतार दो इसको, 168 1 डॉट। इंक्रीमेंट कितने का आ रहा है? 64 का लिख दिया। 64 से पहले 63 1.63, ये क्या बन गया? ब्रॉडकास्ट। चलो अब वैलिड आईपी कहां से कहां तक चलेगी? 1 से लेके 63। ठीक है जी सर। 62 तक। 62 63 तो ब्रॉडकास्ट है ना, यूज ही नहीं हो सकता। जी सर। अब किसी ने पूछा कि भाई वैलिड आईपी कैसे निकलती है फास्ट, तो जो 6 बिट उधारी पे ली थी, 2 की पावर 6 माइनस 2 तो कितना आएगा? 64 माइनस 2 62। और कितनी चाहिए थी? 50। हो गई ना रिक्वायरमेंट फुलफिल। अब किसी ने बोला यूज कैसे करते हो, ठीक है कोई इशू नहीं, मुझे वेरीफाई करना है ये सबनेटिंग सही है गलत। तो मैं गया नेटवर्क अडेप्टर में, अपने नेटवर्क अडेप्टर पे जाना है, वाईफाई को मत दे देना आईपी, बस इतना याद रखना कहीं नेट कनेक्ट बंद हो जाए। देखो या इस पे रियल अडेप्टर पे देके देख लेते हैं,
चलो जैसे मैंने इस पे दिया, पहले वाला सबनेट चेक कराता हूँ, ये वाला दिख रहा है? जी सर, 16 वाला। हाँ देखो, IPv4 में गया जी सर, प्रॉपर्टी यूज करा फॉलोइंग पे 192.168.0.0 सबनेट मास 255 240, यही था ना? देखो जी सर, ओके करो, क्या कह रहा है पढ़ना लाइन? The combination of the IP address subnet mask is invalid. All of the bits of host address partition of the IP address are set to zero. Please enter the valid combination of IP address and subnet mask. भाई सेट करना पड़ेगा कॉम्बिनेशन, ये तो एक नेटवर्क एड्रेस है। चलो आपने बोला नहीं 0.15 डालूंगा, ये क्या था? ये कौन सा एड्रेस है? 15 0.15 ये कौन सा एड्रेस है? नेटवर्क देख के बताओ, आपके पास स्लाइड खुली हुई है, दिख रही है लेफ्ट साइड में 0.15 क्या है? यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है ना, 1 के बाद 14 के बाद ब्रॉडकास्ट ओके करो। ये भी ले रहे क्या? नहीं ना, नहीं ले रहे, नहीं ले। अगर मैं यहाँ पे 0.12 डाल दूं तो वो क्या है? वैलिड आई पी, वैलिड आई पी हो गया, क्लियर है ना? ऐसे टेस्ट करना है। अब दूसरा चेक कर लो, ये वाला जी सर। लो भाई IPv4 में जा रहे हो जी। जब आईपी देनी होगी मैनुअल तो इस पे क्लिक करोगे यूज पे, और जब DHCP से लेनी है तो ऑप्टेन पे जाओ। ओके 192.168.1.0 सबनेट मास्क 192 ओके लग रही है? नहीं। चलो 1.63 नहीं है, नहीं है। 1.5 वैलिड है, वैलिड है। बहुत बढ़िया, हो गया खत्म सबनेटिंग क्लास सी। कोई डाउट रहा? नहीं सर, बस हो गया। चलो अब दूसरी क्लास पे चलते हैं। क्लास सी का कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं सर। चलो अब क्लास भी देखो, बहुत सिंपल है सबनेटिंग, आराम से सीख जाओगे। अब हम किस क्लास के साथ करने वाले हैं? क्लास बी। अब क्लास बी में जाना ही क्यों पड़ा, आपको ये भी पता होना चाहिए। क्लास सी आईपी रेंज के ओनली प्रोवाइड अ 254 आईपी, इतनी दे सकता है लास्ट। किसी ने गलती से मांग लिया आपसे 300 आईपी, फिर क्या करोगे? तो जाना कहाँ पड़ेगा? बी क्लास, क्लास बी। अब क्लास बी ने क्या बोला? क्लास बी में कितनी ऑक्टेट होती है होस्ट के लिए? टू ऑक्टेट नेटवर्क और टू ऑक्टेट होस्ट। होस्ट अब भाई मैं नहीं बताऊंगा, दो ऑक्टेट में कितनी बिट होती है? 255 बिट। एक ऑक्टेट में कितनी बिट होती है? 8 बिट सर। और दो ऑक्टेट में 16 हो जाएगा, 16 बिट। और ये कहां से कहां तक जाएगी? 0 से 15। अब देखो कैसे जाएगी, पहले तो बनाऊंगा एक बॉक्स इधर बहुत बड़ा, फिर एक बॉक्स और बनेगा ये वाला, दिख रहा है? दो बॉक्स हो गए ना। ओके सर, यस सर। अब देखो पहले मैंने इस बॉक्स में कितनी बिट फिक्स करनी है? 0 से लेके 7, यानी ये बॉक्स कितनी कितनी ऑक्टेट के लिए यूज हो रहा है? 1 ऑक्टेट। और ये वाला दूसरी ऑक्टेट वाला है, सेकंड ऑक्टेट में जाएगा, ये सुनो। okay, एक ऑक्टेट में 8 बिट होती है, तो 2 की पावर 0 1 2 की पावर 2 4 2 की 8 16 32 64 20, ये तो हो गया 0 से 7 तक चली गई जी सर, वैल्यू भी आ गई, तो 128 64 62 32 16 8 4 2 1 हो गया। अब मुझे 15 तक जाना है, तो अभी तो 7 पे छोड़ा था, पहली ऑक्टेट में ये फील हो गई, अब दूसरे ऑक्टेट में जाएंगे। 2 की पावर 8 2 की पावर 9 2 की पावर 10 11 12 13 14 15
पहुंच गए। अब 8 का मतलब 256 512 1024 2048 96 89 163। ठीक है भाई, अब इन बिट्स को फिक्स करना है इस ऑक्टेट में, तो वही नीचे से उठा लो। पहले क्या आएगी 3 2 7 6 8। हो गया ये सर? नो जी सर। अब आप पोजीशन नंबर भी डाल दो इनपे। 1 2 3 हो गया। 16 बिट की बात थी, 16 कर दिए फिक्स। अब इसको कॉपी कर लो, बहुत सिंपल, बहुत जल्दी सीख जाओगे इससे। देखो अब याद रखना, क्लास बी में टोटल एड्रेस कितने बताए थे? क्लास बी में 65,536। कैसे फिट करता है देखो, बंदा बताता भी है। देखो ये दो ऑक्टेट की वैल्यू है। चलो अब देखो, जब आप वन ऑक्टेट की सारी वैल्यू यूज कर लोगे ना, फुल कर दोगे, सबको ऑन कर दोगे, तो टोटल कितना होगा? भेजता हूँ अगर आप एक ऑक्टेट की सारी बिट्स को यूज कर लोगे, सबको ऑन कर दोगे जी सर, तो कितनी हो जाएगी टोटल वैल्यू प्लस करोगे तो? 255। अगर किसी ने रिक्वायरमेंट ही मांग ली आपसे 300 यूजर की, तो फुलफिल कर पाओगे एक ऑक्टेट से? नहीं होगा सर। तो इसलिए आप दूसरे ऑक्टेट में गए 9 नंबर। जैसे ही आप 9 नंबर को ऑन करोगे, यानी 256 प्लस 255 टोटल कितने हो जाएंगे? 511 एड्रेस है। अगर आपने 10 नंबर को ऑन करा जी सर, तो 511 प्लस 512 कितने हो जाएंगे? 1023। अब एक छोटी ट्रिक समझो, जो भी आगे आने वाली वैल्यू उसमें से एक एक हटाते रहना, देखते रहना। जब 1023 वाला आ गया, अगर आपने 11 नंबर को ऑन करा, तो टोटल एड्रेस कितने आएंगे? क्योंकि 1024 512 256 255 सबको प्लस करोगे तो इतना आएगा 247। हाँ, अब देखो अगर आपने 12 नंबर की बिट ऑन करी 2048 वाली, तो टोटल कितने आएंगे? 4095। 96 है ना ये। अगर 13 नंबर को ऑन करा, टोटल कितने आएंगे? 8191। एक माइनस हो जाएगा ना इसमें से। चलो जी, अगर 14 नंबर को इनेबल करा, तो कितने आएंगे टोटल? टोटल आ जाएंगे सर 16,383। एक हटाते हुए चलेंगे ना। अगर 15 नंबर को ऑन करा, तो सर 32,007। अगर इसको ऑन करा, तो 65,536 में से एक हटा जी सर 65,535। टोटल हो गए ना, क्लियर है जी सर? जी सर। तो यहीं से आप समझोगे, देखो क्लास भी यहीं खत्म हो जाएगी और ए भी। आज बी का फॉर्मूला हो गया जी सर। हाँ, आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी तो मैं करता ही नहीं हूँ जी सर। जी सर, देखो टाइम लग जाए लेकिन आपको समझ में आए, फ्यूचर में दिक्कत ना हो। चलो अब बात समझो, अगर आपके पास जी सर ईमेल आती है, ईमेल में रिक्वायरमेंट है 300 यूजर आईपी एड्रेस जी सर, कौन सी बिट ऑन करोगे फुलफिल करने के लिए? सर 9 नंबर। 9 बहुत दिमाग से, क्योंकि इसमें टोटल कितने हैं? 511। बहुत बढ़िया, तो हमेशा रखना डेसिमल टू बाइनरी वाला प्रोसेस स्किप होगा इसमें। क्या करना पड़ेगा? डेसिमल टू बाइनरी को स्किप कर देंगे, ज्यादा हम लोड लेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने सीख लिया ये वाला टास्क। हम डायरेक्ट किस पे फोकस करेंगे? बोरो बिट पे। और जब बोरो बिट मिल जाए, वहीं एक फॉर्मूला लगा देना, 2 की पावर 9 माइनस 2, 512 में से 2 हटा दो, कितने वैलिड आईपी है? 500 फुलफिल हो जाएगी ना। ये सुनो, शॉर्ट फॉर्मूला लगाते हैं,
ज्यादा नीचे सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। तो बोरो बिट इसके लिए कितनी आएगी? 9। अगर आपके पास यूजर की रिक्वायरमेंट आती है 1100 यूजर को आईपी देनी है, तो कितने नंबर की बिट ऑन होगी? 11 नंबर। हाँ आराम से सोच लो, 24,000 जी सर, 11 नंबर। 11 नंबर कह रहे हैं। 10 पे आता है 1023, 11 पे 2047, बहुत बढ़िया। अगर आपके पास आती है 3500 यूजर की रिक्वायरमेंट, 3500 के लिए सर करूंगा मैं 12 नंबर सर। बहुत बढ़िया। अगर आपके पास रिक्वायरमेंट आती है 5000 यूजर के लिए आईपी की, हेलो 13 नंबर का सर। अगर आपके पास रिक्वायरमेंट आती है 10,000 यूजर की आईपी, 10,000 के लिए सर 14 नंबर सर। अब मैं चेक करता हूँ, देखो 300 के लिए 511, 1100 के लिए 11, 10, 11, ठीक है ये बढ़िया करा। 3500 के लिए आपने बोला 12 नंबर, बहुत बढ़िया, ये भी सही है। 5000 यूजर के लिए चाहिए, बहुत बढ़िया। 10,000 के लिए 14 नंबर, बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया? चलो अब सीख गया, इतना ही करना था, बाकी सब तो और इजी है। ये लो जी सर, एक ईमेल मंगा लेते हैं हम। यूजर कितने आईपी मांग रहे हैं? जी सर 400 यूजर की क्या चाहिए आईपी? आईपी आपका इंटरनेट डाउन आ रहा है? हेलो मेरा इंटरनेट सर? हाँ जी सर।